पहली बार मैं कॉलेज आया हूँ, मैंने तो आज से पहले कभी कॉलेज नहीं देखा। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर, भाई बहुत ही मेहनत कर रहा है। यार नहीं बनाना गोरी है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे में से निकल वाले व्लॉग पर आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, मतलब 200-250 जने उस व्लॉग को देखे, मतलब मेरा दिल बहुत खुश हुआ। जब किसी वीडियो पर मेरे 20 लाइक आते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो मैंने सोचा आज और एक और व्लॉग बनाया जाए जिसमें मेरे पास मेरे गुरु जी की गाड़ी है, मैं वो गाड़ी लेकर डेगाना जाने वाला हूँ और मेरा दोस्त मेरे साथ चलने वाला है, मतलब वो आज कॉलेज जाएगा तो मैं भी उसके साथ पीछे पीछे कॉलेज जाऊंगा और आज मैं पहली बार कॉलेज देखने वाला हूँ गाइज। तो सबसे पहले टिफिन लेकर चलते हैं दुकान, दुकान से जाएंगे अपन दोस्त के पास, सबके पास चलते हैं वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दादाजी को मैं लेकर आया हूँ। दादाजी रास्ते में पैदल चल रहे थे, सो बुजुर्गों को लिफ्ट दे देनी चाहिए। मोड़ करो, ठीक है सर। सो चलते हैं अपने सफर पे। सो मैं पहुँच चुका हूँ दुकान। सो गाइस, भाई ने खाना खा लिया देख सकते हो, और ये रहा मेरा दोस्त छगन, ये मेरे साथ चलने वाला है। ये गाड़ी अपने को वहाँ पे पकड़ा के आनी है। मुझे लगता है ये स्वेटर खोल देना चाहिए मेरे को, क्योंकि अभी धूप बहुत तेज है। अपना स्वेटर, चल ब्रो स्टार्ट। हम दोनों चलते ही जा रहे हैं, रास्ते पर देख सकते हो दोनों के पास अलग अलग गाड़ियां हैं। सो गाइस, देख सकते हो ये है अजय की कॉलेज, मतलब पहली बार मैं कॉलेज आया हूँ। मैंने तो आज से पहले कभी कॉलेज नहीं देखा, मतलब बाहर रोड से निकलता था मैं, लेकिन आज मैं पहली बार कॉलेज देख रहा हूँ। कुछ इस प्रकार होती है कॉलेज देखने को। हम थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे और इसके बाद हम जाएंगे कहीं और घूमने, ठीक है। इसका काम है कॉलेज का, तो इसके लिए मैं आया हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस, ये है कॉलेज का ऑफिस। सब क्या देखना पड़ रहा है। भाई साहब का नाम प्रकाश पेड़ीवाल है और इनकी यहाँ पर गवर्नमेंट नौकरी है। सो गाइस, ये इसकी कॉलेज है। कॉलेज में इतना कुछ खास नहीं है, क्लासे आपको मैं दिखा दूं। क्लासे कैसी, क्लासे देख सकते हो जैसी हमारे स्कूल में होती है वैसी है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, स्पेशल नहीं है। और कॉलेज काफी लंबी चौड़ी है, कहाँ कहाँ जाए मेरे को कुछ पता ही नहीं है। और ये मोबाइल में घुसा हुआ है, इसको कुछ भी पता नहीं है क्या करना है दोस्त के साथ। दोस्त की कदर नहीं कर रहा है यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, स्पोर्ट रूम में, लाइब्रेरी, चल अंदर भी। गाइस मन तो कर रहा है अंदर चल के, ऊपर भी है क्या भाई, चले ऊपर लोग। सो गाइस, इसको किस प्रकार से शर्म आ रही है देख सकते हो आप लोग, मतलब क्या ही करेगा ये अपनी जिंदगी में इस प्रकार से शर्म। यार गंदी बात है यार, मैं तो घर से जब निकलता हूँ ना तो अपने शर्म को घर पे रख कर फिर निकलता हूँ। क्या शर्म, तो घर पे रहे, अब मैं जा रहा हूँ। सो लगता है कॉलेज में जो काम था वो हमारा हो गया है और हम यहाँ से अब हम निकल रहे हैं बाहर, और बाहर देख सकते हो बाहर का। अब हम यहाँ से डेगाना जाएंगे गाड़ी पकड़ाने, और वहाँ पे गाड़ी पकड़ा कर फिर देखते हैं कहाँ जाना है अपन को। A few moments later. So guys, अखिल भारतीय माली सैनिक समाज संस्था पुष्कर के कोषाध्यक्ष श्री ताराचंद जी गहलोत के पास हम आए हुए हैं, और यहाँ से अब हम जाएंगे शारदा बाल निकेतन में, मतलब कॉलेज से सीधा यहाँ पर आए, इनकी दुकान रुके, मतलब एड्रेस पूछा, वहाँ पर जाकर बाइक पकड़ा कर सीधा घर जाएंगे। 6.5 hours later. ता शारदा बाल निकेतन हम आ चुके हैं। सो गाइस, ये शारदा बाल निकेतन, और हमने चाबी भी दे दी है, जिनके पास गाड़ी जानी थी गाड़ी चली गई है। अब हम दोनों जा रहे हैं एक ही बाइक पर, इतनी तहसील डेगाना कितनी शानदार है गाइस। अब हम यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर, इसका काम करने के बाद यहाँ से जहाँ कहीं भी निकलेंगे आपको हर चीज की सूचना मिल जाएगी। तो गाइस, हम डेगाना तहसील में आए हुए थे और अब यहाँ से हम जा रहे हैं वापस। इसका काम था जो कि हो गया भाई, क्या काम था तेरे, कोई स्टंप का काम था भाई। अच्छा, जोर से बोल यार, सुनाई नहीं दे रहा, दर्शकों को सुनाई देना चाहिए। बोल बोल जोर से बोल, क्या काम था। सो गाइस, यहाँ पर पब्लिक होने के कारण इसकी आवाज नहीं निकल रही, तो मैं ही आपको बता दे रहा हूँ अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर बहुत ही तगड़ा वाला ट्रैफिक हो चुका है, हम फंस चुके हैं, लगभग 10 मिनट से यहाँ पर खड़े हैं। ये देखें यहाँ पर गाड़ियाँ, ये डेगाना का मेन चौराया है, मेरे को क्या ही जबरदस्त देख रही है ये दुनिया, मतलब अगर मैं सबको दिखाऊँ ना तो बड़ी बड़ी मस्त चीज होती है। क्या भाई क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा था क्या अजय। सो गाइस, अजय मुझे पार्टी देने जा रहा है, क्योंकि उसके कॉलेज में कोई नया दोस्त बना वो रहा कैफे, और हम जा रहे हैं पार्टी लेने, अपने को मिलेगा सारी चीजें, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये कैफे और ऊपर है भाई, यहाँ कैफे नहीं है मेरे भाई, और ऊपर चलना पड़ेगा रे। ये कैफे चार दिन बाद हम आए थे पार्टी लेने, यहाँ पर पार्टी ले चुके हैं, कैफे 4 दिन बाद खुलने वाला है यहाँ पे। मतलब नीचे से आए थे तो भाई कुछ खिलाएगा,
थोड़ी बहुत एनर्जी बची थी उसका उपयोग करके इतने ऊपर आए आकर देखा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब तैयारी हो रही है कैफे बनने की। देख सकते हो 4 दिन घर पे खाना खाओ उसके बाद आएंगे इस कैफे में खाना। चलो फिर थैंक यू भैया, अच्छा लगा आपकी पेटीज खाकर। इस बदतमीज ने सरासर बेइज्जती करवा दी है। कोई कैफे में लेकर आया था, मतलब इसकी बहुत जान पहचान है यार डेकाना में, तो लेकर आया था कि तेरे को कैफे में ले चलता हूँ, आज मैं ऐसे कैफे दिखाऊंगा तूने नहीं देखा होगा। आगे आकर देखा तो अच्छा था, अच्छी थी पेटीज। आपको भी खाने का मौका मिले तो जरूर आए डेकाना में इस जगह पर। जगह तो मुझे खुद को नहीं पता, क्या बताऊँ आप लोगों को मैं। अच्छा अब हमें यहाँ पर लेकर आया है, देख सकते हो पिज्जा पॉइंट, एंजॉय पिज्जा पॉइंट। सो मेरे प्यारे मित्रों देख सकते हो मेरा दोस्त एक और नई जगह लेकर आया हमें, पिज्जा पॉइंट। अब देखते हैं यहाँ पर भी हमें कुछ मिलता है क्या खाने के लिए। सो गाइस कैफे में हम दोनों बैठे हुए हैं, पता नहीं इसने क्या मंगवाया है क्योंकि मैं तो नहीं जानता खाना। ये देखो क्या क्या है, हॉट डॉग पढ़ना आता है मेरे को तो, हॉट डॉग चाउमीन। चलो आने दो कुछ खाते हैं आज। सो गाइस पता नहीं इसने क्या मंगवाया है, क्या है ये पेटिस बोलते हैं क्या, ये क्या लेकर आए हैं भैया, ये पूड़िया लेकर आए हैं। किसकी पूड़िया है, शैम्पू की पूड़ी लेकर आए हैं। अब यार ने बनाना गोरी है। सो गाइस जो था मैंने तो खा लिया, क्या क्या नाम था, पनीर पेटीज और क्या था भाई, चीज पेटीज, पनीर पेटीज, सैंडविच। मैं नहीं जानता। दोस्तों तो आज हमारे साथ है ये भैया, तो इनका ब्लॉगिंग चैनल है, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें भाई को, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें भाई, बहुत ही मेहनत कर रहा है। तो आज हमें यहाँ देखना में मिले हैं। सो गाइस इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिस पर 50,000 फॉलोअर है, मतलब देख सकते हो 50,000 वाले हमारे साथ में मिले हैं आज। और इनका यूट्यूब चैनल भी है जो कि अच्छा चैनल है, कॉमेडी के वीडियो बनाते हैं। आपके चैनल का नाम बता दीजिए, ओ मंजू मारवाड़ी, और इंस्टाग्राम पे यही है, मतलब ओम जी और मंजू जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम निकल गए सीधा गांव की तरफ, देख सकते हो ये हमारी दुकान। सो गाइस देख सकते हो हम दुकान आ गए हैं, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है अभी, तो हम चाय पी रहे हैं शिकरा वाली। और भाई कैसा रहा तेरा सफर? शानदार भाई, शानदार रहा। सो गाइस देख सकते हो आज का दिन आपने लगभग पूरा देख ही लिया हमारा कि हम किस प्रकार से बाहर घूमने जाते हैं। वैसे हमेशा हम घूमने नहीं जाते, आज ही गए हैं वैसे घूमने, और कभी और भी कभी जाएंगे तो आपको दिखा देंगे। ये हमेशा के लिए तो होता नहीं है कि घूमने जाते हैं और आपको ना दिखाएं, तो आप बोल देना कि हाँ हमें ऐसे व्लॉग चाहिए, नहीं तो वीडियो तो मेरे डेली आते रहेंगे। और आप लोग सपोर्ट दिखाते रहना, दुकान का सामान अंदर डालकर सीधे घर जाना है। और अभी व्लॉग को भी ख़त्म करने वाले हैं हम लोग, देख सकते हो नीचे टाइमिंग कम भी बची होगी, ख़त्म होने वाला होगा, तो जल्दी से अपनी दुकान का सामान अंदर डालते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों आज का सफर इतना ही, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। किस प्रकार आपने देखा कि सुबह मैं घूमने गया था और वापस में आया, और अभी मैं 2-3 घंटे लगातार दुकान पर था। तो अब हम दुकान को मंगल करने जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घर, तो अभी अंधेरा हो चुका है, 9 बज रही है, तो किस प्रकार से घर जाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हो किस प्रकार से, किस रफ्तार से हम निकल रहे हैं इस रास्ते से, बहुत ही डरावना, मतलब हमें डर नहीं लगता, ये बात अलग है। रास्ता देखो यार, इधर खाई इधर कुछ और, मतलब हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। अरे अरे ये हमारी ढाणी आ चुकी है, ये रास्ता इधर से आता था लेकिन हम इधर से शॉर्ट एंड स्वीट घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सो गाइस बहुत ही अच्छा रहा हमारा आज का सफर, और आज के लिए बस इतना, आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो करते हैं खत्म। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।